हेलो एवरीवन, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है या फिर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है तो इसको कम करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप बताने वाली हूँ। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपको हार्ट की बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है। हार्ट की बीमारी के साथ आपकी बॉडी में मोटापा भी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण आपके शरीर में और भी अन्य बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है। आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप बताने वाली हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है, आपका खून धीरे धीरे करके गाढ़ा होने लगता है, आपके आर्टरियों में खून जमने लगता है, खून का थक्का जमने लगता है, जिससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। जब भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं। आपके सीने में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में, और ये जो दर्द होता है सीने का बहुत तेज़ दर्द होता है। कभी आपका दर्द ठीक हो जाता है और कभी आपका दर्द बना रहता है। अगर आप बीपी चेक करवाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई आता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई आती है। अगर आप थोड़ा सा चलते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाँफने लगते हैं, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्ब होने लगते हैं। आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में लोग बहुत अधिक मात्रा में जंक फूड खाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण से उनको हार्ट की बीमारी बहुत अधिक मात्रा में देखी जा रही है। हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा तेजी के साथ फैल रही है। अगर आप 10 घर में देखेंगे तो 10 घर में से कम 5 से 6 घर में ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन उस व्यक्ति को हार्ट की बीमारी हो गई। तो ये हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ गई है, और आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी भर दवाई ना खाना पड़े या आपको हार्ट अटैक ना आए, आपका बीपी एकदम नॉर्मल बना रहे, तो इसके लिए आप होम्योपैथिक ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा होम्योपैथिक ड्रॉप है। तो इस ड्रॉप का नाम है कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप। बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है, नेटक्योर कंपनी का है। इस ड्रॉप का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस ड्रॉप को लेना कैसे ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इस ड्रॉप को आपको 3 टाइम लेना है, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, 20-20 ड्रॉप। पानी गर्म कर लीजिएगा, जब पानी हल्का गुनगुना सा हो जाए तो आधे कप पानी में इस ड्रॉप को डालिएगा, 20 ड्रॉप को मिक्स करके पी लीजिएगा। अगर आपके शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, फैट की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपको मोटापा भी आने लगता है। अगर आप महिला हैं तो हो सकता है कि आपको थायराइड की बीमारी हो जाए, थायराइड की बीमारी के साथ आपको शुगर भी हो सकती है, या फिर दूसरी कोई अन्य बीमारी हो सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको भी शुगर हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको कोई दूसरी अन्य बीमारी हो जाए। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम जाती है तो ये बहुत डेंजरस रहता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम ना की जाए तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो हार्ट अटैक को रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को कम करने आज मैं आपको जो ड्रॉप बताई हूँ, इस ड्रॉप का बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।